हेलो फ्रेंड्स, जब आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो और कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना हो तो आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बिना तेल के और बिना घी के आज बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पर एक कटोरी आटा लेंगे। तो आज हम इसे आटे से बनाने वाले हैं। तो आटे को हम एक बर्तन में डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो टमाटर लिए हैं और टमाटर को हमें अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ लेंगे दो प्याज और प्याज को भी हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। यानी हमें जो सब्जियाँ डालेंगे वो अच्छे से फाइन चॉप होनी चाहिए, यानी बारीक बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद दो हरी मिर्च लेंगे, उन्हें भी अच्छे से कट कर लेंगे। अब यहाँ लेंगे हम धनिया के पत्ते, तो धनिया को भी हमें अच्छे से कट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ हम लेंगे कुछ मसाले, तो आधा चम्मच लेंगे चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च। यदि आप इसे बच्चों को बना रहे हैं तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। उसके बाद यहाँ लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लेंगे सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है वो, और आधा चम्मच लेंगे अमचूर पाउडर, और आधा चम्मच लेंगे खाने वाला नमक। और सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारे बच्चे हैं सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरह नाश्ता बनाकर उन्हें खिला सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में या फिर सुबह के लंच बॉक्स में या शाम को नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं और बहुत ही आराम से यानी झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें इसमें एक साथ पानी नहीं डालना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। यदि हम एक साथ पानी डालेंगे तो जो हमारा बैटर है ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरा घोल है अच्छे से तैयार हो चुका है, यानी हमें इसे न ज़्यादा थिक रखना है और न ही हमें इसे ज़्यादा गीला रखना है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट ढककर के लिए रख देंगे। तो देखिए, मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा बैटर है अच्छे से सेट हो चुका है। यानी आपको यदि थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं, या फिर आपको गीला लग रहा है तो आप इसमें आटा और डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम देखिए एक तवा लेंगे और तवे के हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर तेल ज़्यादा नहीं लगाना है, हम यहाँ पर तेल थोड़ा ही इसके लगाएंगे। और तेल लगाने के बाद यहाँ पर हम देखिए जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है हम उसको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 चम्मच ही बैटर इसके ऊपर डाला है और इसे हम चम्मच से ही फैला देंगे। और ध्यान रहे कि जब हम इस तवे के ऊपर बैटर डालते हैं तो जो हमारा गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम होना चाहिए, जिससे कि हम इसे आसानी से फैला सकें। तो देखिए, ये आराम से फैल जाएगा, यानी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं, यानी हाथ से भी फैला सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे देखिए थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो मुझे 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं, तो अब इसे हम हटाकर देख लेंगे। तो देखिए, जो हमारा नाश्ता है ऊपर से हल्का सा ड्राई हो गया है, यानी हमारा जो नाश्ता है नीचे से अच्छे से सिक चुका है। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ पर देखिए 30 से 40 सेकेंड और इसे ढक देंगे, जिससे कि बहुत ही जल्दी सिक जाएगा। तो देखिए 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए इसके तेल लगा देंगे। आप चाहें तो इसके घी भी लगा सकते हैं, या फिर आप तेल या घी कुछ नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार होगा। तो देखिए, हम इसे अच्छे से पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ पर हम देखिए दूसरी साइड भी इसके अच्छे से तेल लगा देंगे। तो दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे तो ये अच्छे से सिक जाएगा। और ध्यान रहे कि जब हम ये नाश्ता बना रहे हैं तो जो हमारा गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम होना चाहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छे से इसकी सिकाई हो। तो दोनों साइड से हम देखिए इसे उलटते पलटते सेक लेंगे और 1 से 1.5 मिनट में ये नाश्ता सिक कर तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है, यानी बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता सिक कर तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए और बनाकर दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पर देखिए तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तो तेल हमें ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो बैटर तैयार किया है हम उसको डाल देंगे। तो बैटर हमें 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है और इसे हम चम्मच से ही अच्छे से फैला देंगे।
तो देखिए आसानी से फैल जाता है, यानी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे खुला भी बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ी देर में ही ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा, तो इसे हम पलट देंगे। और पलटने के बाद यहाँ पर हम देखिए इसके ऊपर तेल लगा देंगे। तो यहाँ हम इसे दोनों साइड से अच्छे से तेल लगा देंगे और इसे उलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से ये सिक्कर तैयार हुआ है, यानी ना टूटेगा ना फटेगा और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगा। और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि हमने इसमें सब्जियाँ डाली हैं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। तो देखिए इसे भी हम 1.5 से 2 मिनट में अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हमें देखिए उलटते पलटते सेकना है। तो देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी अच्छे से सिककर तैयार हो चुका है। तो इस तरह हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 कटोरी आटे से ढेर सारे नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है, यानी हम पूरे परिवार को ये नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा, देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ना ही फटेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। आप इसे सॉस से या फिर चटनी से या फिर इसे आप दही से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे बिना सॉस या चटनी के भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब्जियाँ डाली हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।